तो आप सभी का फिर से स्वागत है सिविल गुरु जी के YouTube चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ये जो मिक्स डिजाइन होता है हमारा कॉन्क्रीट का, वो आप कैसे सीख सकते हैं और उसको कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें इस कंप्लीटली वीडियो में जानेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से कि क्या नीड होती है मिक्स डिजाइन की। तो अगर नीड की बात करें तो सबसे पहले मिक्स डिजाइन होता क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे अपन कभी भी बात करते हैं मिक्स डिजाइन की, तो मिक्स डिजाइन वो होते हैं जो भी हमारे M25 से लेकर M80 तक में जितने भी हमारे कॉन्क्रीट के प्रोपोर्शंस हम बनाना सीखते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें मिक्स डिजाइन में आती है। जो नॉमिनल मिक्स होता है उसमें होता यह है कि M5 से M20 तक के रेशियोज और उसके प्रोपोर्शंस हमको गिवन होते हैं। मिक्स डिजाइन में बस हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करने के लिए एक ही साइंटिफिक बेस है जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं मिक्स डिजाइन को फाइंड आउट करने का। अब करना क्यों पड़ता है? तो सबसे पहले एक हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट को अचीव करने के लिए हम मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करते हैं ताकि सही प्रपोर्शंस में हमारे सही से मटेरियल्स पूरे मिक्सअप हो, ताकि जो भी मैं उस कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ चाहता हूँ वो स्ट्रेंथ वो अचीव कर सके। तो सबसे पहला काम है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। दूसरा चीज है ड्यूरेबिलिटी। कभी भी बात करते हैं हम लोग कॉन्क्रीट के ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो सेकेंड पॉइंट मिक्स डिजाइन करने का यही है कि आपकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तीसरी चीज जो कंजम्पशन है, जैसे अगर मैं सीमेंट बैग्स के कंजम्पशन की बात करूं तो हमको एकदम एग्जैक्ट नंबर्स में पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में हमारे कौन से मटेरियल्स यूज होने वाले हैं ताकि वेस्टेज ज्यादा ना हो। तो तीन पॉइंट्स बस। सबसे पहला मिक्स डिजाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि कॉन्क्रीट अपनी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर सके, उसके साथ साथ में ही ड्यूरेबल हो सके और जितने भी मटेरियल्स का कंजम्पशन है वो सही से हो सके, मतलब किसी भी चीज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमको ना निकालना पड़े। दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें अपन बात करेंगे कि ये मिक्स डिजाइन अगर मेरे को क्रिएट करना हो, मेरे को बनाना हो, तो उसके लिए हम IS कोड कौन सा फॉलो करेंगे। तो IS 10262 ये हमारा मिक्स डिजाइन के लिए, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए हम फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ में ही IS 456:2000 जो कि लगभग हमने ये सारी चीजें IS 456 तो अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ी हुई है, बस ये जो IS 10262 है ये हम मिक्स डिजाइन के लिए फॉलो करते हैं। तो दोनों IS कोड्स आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इसी IS कोड का फॉलो होता है। अब बात करें कि इसके आउटपुट की, जैसे अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को मिक्स डिजाइन बनाना है, तो उसके अगर आउटपुट शीट की बात करें कि हमको क्या आउटपुट दिखता है उस मिक्स डिजाइन से, तो मिक्स डिजाइन से हमको ये सारी चीजें जो डिटरमिनेशन और बहुत सारी चीजें जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उससे मेरे को सिर्फ ये फाइनल रिपोर्ट जो हमारी निकल कर आती है उस मिक्स डिजाइन से, उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा और अलग अलग है और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली में, अगर साइट की बात करें तो आप कभी भी साइट पे हो, अगर आप कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हो और ग्रेड अगर M30 ग्रेड है या M25 ग्रेड है, तो उस केस में कॉन्क्रीटिंग करवाते वक्त आपके पास ये मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम मिक्स डिजाइन करवाते हैं M30, तो कभी भी इंस्पेक्शन पार्टीज आती हैं तो सबसे पहले आपसे इसकी रिपोर्ट ही मांगेगी। तो कभी भी M25, M30, M35 का मिक्स हुआ तो आपके पास जरूरी है कि मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट होनी ही चाहिए। अब ये मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट बनाने के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, सभी की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए अगर मैं बैठ के झारखंड में अगर मैंने M25 का मिक्स बनाया है और 1:1:2 आ रहा है, तो हो सकता है कि अगर मैं UP में जाके वही मिक्स डिजाइन फिर से बनाऊं M25 का, तो हो सकता है मेरा रेशियो 1:1:3 आ जाए। तो ये जो चेंज इन प्रोपोर्शंस हो रहा है वो जो मटेरियल्स है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो आप ऐसा नहीं कि M30 का जो मिक्स डिजाइन बना के रख लिए हैं उसी को ही हर जगह यूज कर सकते हैं, नहीं, आपके साइट में जो मटेरियल्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करना रहता है। और मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट से ऐसा साइट इंजीनियर या ऐसा इंजीनियर अगर मैं साइट पे खड़ा हूं तो मेरे को सिर्फ ये तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है मिक्स डिजाइन फॉर M25 ग्रेड विद अल्ट्रा टेक, तो उस केस में देखो वाटर सीमेंट रेशियो भी गिवन रहता है, सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 दिया हुआ है, फाइन एग्रीगेट का 1.84 और कोर्स एग्रीगेट का 3.40। तो यहाँ पे ये रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, 1:1.84:3.40। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है M25, हमने अपने पूरे लाइफ में M25 का रेशियो बस 1:1:2 देखा है,
तो ये रेशियोज हमेशा वेरी करेंगे जब भी मिक्स डिजाइन की बात करते हैं, इसलिए जरूरी होता है कि M25 हो या M30 हो, M35 हो, उसके लिए हमको मिक्स डिजाइन बनाना पड़ता है। M5 से लेकर M20 तक के लिए मिक्स डिजाइन करवाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये M5 से M20 वाले सब नॉमिनल मिक्सेस होते हैं, इसमें प्रोपोर्शंस ऑलरेडी गिवन होते हैं, पर मिक्स डिजाइन जब भी हम लोग करवाते हैं उसमें हमको प्रोपोर्शंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस टाइप की रिपोर्ट से हम अपने प्रोपोर्शंस को जानते हैं कि हमको कितना सीमेंट लगाना है, कितना सैंड लगाना है और कितना एग्रीगेट डालना है उस कॉन्क्रीट को बनाने के लिए। उसके साथ साथ में ही अगर उसमें एडमिक्सर्स यूज हो रहे हैं तो एडमिक्सर्स की भी क्वांटिटी को फाइंड आउट करा जाता है, और वाटर सीमेंट रेशियो कितना मेंटेन करना है एक क्यूबिक मीटर का कॉन्क्रीट बनाने के लिए। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपके मिक्स डिजाइन की पूरी शीट में अवेलेबल होती है, इसलिए मिक्स डिजाइन का आना जरूरी है। अब ये मिक्स डिजाइन को कैसे सीखा जा सकता है, तो सीखने के लिए सबसे पहली चीज, तो अगर आप सिविल गुरुजी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करे तो आप डाउनलोड करिए, वहां पे आपके लिए ये मिक्स डिजाइन एस पर IS 10262 अवेलेबल है। इसको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप साइट पे रहते हैं और आप अगर M30 का रेशियो बनाना है तो वहां पे M30 के लिए कि कैसे फाइंड आउट करें हम प्रोपोर्शंस को, क्योंकि हमेशा तीन चीजें याद रखेंगे, मटेरियल का कंजम्पशन हमारा सही प्रॉपर तरीके से जाए तभी वो स्ट्रेंथ अचीव कर पाएगा और कॉन्क्रीट हमारा प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करवा पाएगा। तो इतनी सारी चीजें जो है वो अगर सीखनी है तो सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन में आपको ये मिक्स डिजाइन का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें IS कोड की हेल्प से पूरी कंप्लीट मिक्स डिजाइन कैसे होती है अलग अलग प्रोपोर्शन के लिए, वो सारी चीजें उसमें बताई गई है। उसके साथ साथ में ही वहां पे आपको इसके सारे नोट्स और जितने भी टेस्ट इसके लिए परफॉर्म करने रहते हैं वो सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स पता है। अब ये एक बार तो हार्ड वर्क हो गया, अब बार 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 अगर मेरे को M25 करना है, M30 करना है, M35 करना है, तो मेरे को बार बार सॉल्व करना होगा। तो बस इसी के लिए ही आपके लिए एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करी जाती है उसी कोर्स के अंदर, ताकि आपको बस वहां M25, M30 का बस ग्रेड लिखना है और कंप्लीटली पूरा मिक्स डिजाइन इसका अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अगर ये मिक्स डिजाइन आपको सीखना है तो बिल्कुल अभी कॉल करिए 9111001234 पे, और ये कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, कैसे इससे सीख सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और सिविल गुरुजी एप्लीकेशन में भी ये पूरा कोर्स अवेलेबल है, वहां से भी आप डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हैं। फिर से बताता हूं, अगर नॉमिनल मिक्स या मिक्स डिजाइन में अगर कभी कोई पूछता भी है, डिफरेंस बस इतना ही होता है कि नॉमिनल मिक्सेस में हमको प्रपोर्शंस गिवन होते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट के, पर मिक्स डिजाइन में हमको उनको प्रपोर्शंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। कौन से मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। इसलिए मिक्स डिजाइन को बोला जाता है एक साइंटिफिक बेस मेथड। ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हैं सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन से भी। तो आई होप इंजीनियर्स ये इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा कि क्यों मिक्स डिजाइन हमको साइट पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इंस्पेक्शन पार्टीज आए तो डायरेक्टली मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट मांगती है, और बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, क्वालिटी इंजीनियर की बात करें, वहां पे भी आपको ये मिक्स डिजाइन की जरूरत पड़ेगी, और एज अ साइट इंजीनियर भी हो सकता है कि आपको मिक्स डिजाइन की जरूरत पड़े। तो ये सारी चीजें आप भी सीख सकते हैं, और आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिएगा ऐसे ही सिविल गुरुजी के साथ।